रिसीव ए कॉल। श्योर सर। तो ये हो गया आपका, और बाकी आप अपने नाम से संबंधित जो भी हैं, सन, सोलार सिस्टम, आदित्य मीन्स सन होता है ना, जी सन, जी राइट सर। तो रिलीजियस एस्पेक्ट से भी क्या इम्पोर्टेंस है सन की, और अदरवाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और ज्योग्राफिकली भी ऑल्सो, यू नो, सोलार सिस्टम, यूनिवर्स वाले चैप्टर आपको अच्छे से थोड़ा कर लेना आप। जी सोलर सिस्टम ओके। और आदित्य के नाम से कौन फेमस पर्सनैलिटीज हैं आज के समय में? हाँ सर वो भी देखना होगा, मतलब किस किस डोमेन में देख लें, जैसे साइंटिस्ट हो सकता है या फिर सेलिब्रिटीज में तो एक्टर ही हो सकते हैं, क्रिकेटर तो नहीं है गूगल, सेलिब्रिटी। हाँ, गूगल इज द बेस्ट सोर्स। ओके जैसे आदित्य ठाकरे है शायद, है ना, आदित्य ठाकरे एक तो हो गए महाराष्ट्र में जो है, तो ओके फिर आप वहां उनका से, नाम भी ले सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन। हाँ वहां हाँ से तो फिर इसका मतलब महाराष्ट्र के अगर कुछ करंट अफेयर चल रहे होंगे तो वहां पर भी जा सकता है सवाल ठाकरे हाँ महाराष्ट्र के इश्यूज, हाँ महाराष्ट्र के जो बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे आपका ये जो गवर्नमेंट भी चेंज हो रहा है ना, जी। शिवसेना वाला इश्यू भी आ सकता है। मतलब देखिए, ये सब प्रिपेयर करने से फायदा क्या होता है कि आप जब बोलोगे तो आप डरोगे नहीं, मतलब, और सेकेंडली ये है कि आपको पता है कि हाँ अब इस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा रहा है, तो आप प्रिपेयर्ड हो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी। और इसके अलावा ही इज ए यंग पॉलिटिशियन, तो यूथ एंड पॉलिटिक्स, और आपका फैमिली जो, मतलब दिस नेपोटिज्म को समवेयर ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नेपोटिज्म। सो इज इट द रियलिटी इन इंडिया, इज इट राइट और रॉन्ग? जैसे एक बड़ा इशू बनता है जो भी, यू नो, रूलिंग पार्टी है वो एक बड़ा इशू बनाती है नेपोटिज्म को, तो क्या ये, मतलब, इज इट ए पॉलिटिकल स्टंट या रियलिटी में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसमें है कि नहीं है, क्या है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, इज इट गुड बैड? आपके अनुसार इसमें क्या बोलना चाहिए नेपोटिज्म के बारे में, क्योंकि जैसे नेपोटिज्म को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते हो तो फैक्चुअली गलत हो जाएगा। हाँ देखिए, नेपोटिज्म में जो है, नेपोटिज्म इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, क्योंकि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस करता है तो वो भी नेपोटिज्म है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो है, दैट्स ए पब्लिक सर्विस, दैट्स पार्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस, सो वहां पे देर शुड बी सम, यू नो, दैट जो आपका जो पॉलिटिशियन है, दैट शुड कम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। उनको पहले ग्राउंड लेवल का एक एक्सपोजर देना चाहिए, दे शुड बी मेड द वर्कर, और यू नो, व्हेन ओनली दे आर सिलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द पार्टी, देन ओनली दे शुड बिकम द टॉप पर्सन। हाँ, लाइक दे शुड नॉट बी डायरेक्टली मेड, यू नो, हेड ऑफ द पार्टी और समथिंग। और उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताने पड़ेंगे कि ऐसा है क्या इंडिया में, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं, पंकज सिंह है, एक नीरज सिंह है यूपी में, तो लाइक दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और अभी भी वो एमएलए हैं, अभी मिनिस्टर्स भी नहीं, उनको नहीं बनाया उनको, तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टी, यू नो, पार्टी में ऐसा है कि नेपोटिज्म को ओपनली नहीं किया जा रहा है अभी जो एग्जिस्टिंग बीजेपी में है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे अनुराग ठाकुर का हो गया, जो मतलब कहीं ना कहीं उनके जो फादर हैं उनकी वजह से यहाँ पे आए हैं वो, है ना, तो थोड़ा सा इसको आप खुद से भी एक बार एनालाइज कर लेना, और किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से या किसी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट से इस चीज को आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। ठीक है। मतलब नेपोटिज्म इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, बट उसको प्रॉपर एक्सपोजर देने के बाद में, तब उसको हमें कुछ उसका एडवांटेज देना चाहिए जो भी है जी उसका, हाँ, मतलब। बाकी ये पॉइंट तो बोल ही सकते हैं कि जनता ने सिलेक्ट कर लिया तो फिर जनता से बड़ी आवाज किसकी है, ये पॉइंट हाँ, भी। फाइनली तो अगर,
एब्सोल्युटली फाइनली अगर उनको सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसको हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो अभी एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी आई है, उसके बारे में थोड़ा आप स्टडी कर लेना ओके क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑप्शनल है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, राइट सर। तो उसका फॉर्मेशन का जो है कि मर्जिंग ऑफ द रेलवे सर्विसेज ओके और नॉट, उसका थोड़ा स्टडी आप हिस्ट्री स्टडी कर लेना कि ये मर्ज क्यों की गई है, कौन कौन सी सर्विस मर्ज की गई है, और अगर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आती है तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, मर्ज होने के बाद में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना। जी सर। अच्छा सर, इसमें एक डाउट मेरा और ये भी था कि जैसे इलेक्ट्रिकल में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो पावर वाली साइड का और एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड का, इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन, दूसरी तरफ पावर। अब जैसे मेरे डैप में अगर आप अचीवमेंट्स वाले में देखेंगे तो एक मेरा रिसर्च पेपर है जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन की साइड है, और एक मेरा प्राइज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड है। तो क्या मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पावर की साइड कम रुझान रहेगा बोर्ड का और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की साइड ज्यादा? देखिए हम कुछ नहीं बोल सकते कि रुझान कहाँ चला जाए, तो आप दोनों तरह से ही प्रिपेयर कीजिए। रिसर्च पेपर इन एमर्जिंग वीआर टेक, वीआर टेक मींस वर्चुअल रियलिटी ना? जी सर, वर्चुअल रियलिटी। ये मेरे को बैच पूरा लिख देना चाहिए था क्या, लेकिन अब तो क्या कुछ कर नहीं सकते। वीआर लिख करके लगा कि पता नहीं वहां देंगे वो। एनटीएससी स्कॉलर, एनटीएससी मींस नेशनल टेक्निकल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके ओके, इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। केवीपीवाई स्कॉलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैच गोल्ड मेडलिस्ट। पावर सेक्टर का थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, पावर सेक्टर के लिए स्पेशली आप दो चीजें रेफर कर लेना, पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट और उसमें जो भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं अच्छे से, उनकी एनुअल रिपोर्ट देख लेना। पावर सेक्टर में एक्चुअली मैंने काम किया हुआ है एनटीपीसी में, आई वर्क देयर, तो मैंने खुद अपने लिए प्रिपेयर किया था, बट काफी टाइम हो गया तो अभी जो है काफी कुछ चेंज हो गया है। तो पावर मिनिस्ट्री की जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है, आई थिंक ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये पावर सेक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कैसे है ये? हाँ, पावर सेक्टर में तो होता ही है। जी जी, हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन सब सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो पावर सेक्टर तो फिर आपसे बहुत एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। तो आप पावर मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट आती है वहां से आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, और अगर आप चाहो तो अगर हम देखें एनटीपीसी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी देख सकते हो आप, क्योंकि वहां पर भी जो ना काफी कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करके वो कुछ स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है, पावर सेक्टर तक लिमिटेड है, वैसे ठीक है, वो पावर सेक्टर तक भी ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट ठीक रहेगा, और नीति आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ लेना, जो नीति आयोग ने पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो सजेशंस दिए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आया था अभी रिसेंटली, 2-3 महीने पहले बिल चेंज हुआ था, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं। आप IIM रोड, ये IIM लखनऊ है ना? जी जी सर, उसके बगल में ही है कॉलोनी। IIM लखनऊ के बारे में भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए क्या? थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब क्योंकि आप IIT से भी आते हो और IIM का नाम भी इसमें आ गया, तो यू नेवर नो कि उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ जाए IIT IIM के बारे में, जो एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आप जो है IIT से भी हैं तो आपको क्या लगता है कि IIT वालों को UPSC में आना चाहिए, क्या फायदा होगा आपके आने से यहाँ पे, आपको अगर UPSC करना था तो आप IIT में क्यों आए, ये सब चीजें, ये तो डेफिनेटली आपको तैयार करना ही चाहिए। इसमें एक और चीज भी नहीं दी हुई है, डैफ वन में थी मेरी जॉब भी थी 15 महीने की गोल्डमैन सैक्स में, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब थी? गोल्डमैन सैक्स अमेरिका का बैंक है। ओके ओके, हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ बिल्कुल। जॉब के बारे में, आप कब जॉब कब थी आपकी, मतलब कब किस ड्यूरेशन में थी? 2019 के जून से लेकर के 2020 के सितंबर तक। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्या प्रोफाइल था आपका वहां पर? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट, तो ये
डेटा एनालिस्ट में क्या काम था एग्जैक्टली आपका? सर मॉडलिंग का काम था, डेटा मॉडलिंग ये सब का। जैसे मैं कंज्यूमर बैंकिंग सेक्टर में था, मार्कस नाम का कंज्यूमर बैंकिंग सेक्टर है उसका, उसके अंदर था। तो उसमें जैसे डिपॉजिट्स तो मेरे को असाइन किया गया था, तो डिपॉजिट्स की सारी मॉडलिंग, उनका जो भी पीएनएल ये सब होता है वो, उसके अलावा एक टर्म स्ट्रक्चर मॉडल पे मैंने काम किया था, वो मेरा प्रोजेक्ट था कि किस तरह से फ्यूचर प्रोजेक्शन की किस तरह से रोल आउट होगा जो डिपॉजिट है, मतलब किस तरह से विड्रॉ किए जाएंगे डिपॉजिट्स एक तरह से। तो ये आपकी प्रोफाइल से कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और ये जो वर्क है ये थोड़ा यू नो एक्सेल टाइप का वर्क है। सर ये एक्चुअली पूरा कोडिंग टाइप का था, मतलब पाइथन पे काम करते थे। और अच्छा, मैंने इसमें डाला नहीं है, मेरा माइनर डिग्री था मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशंस में, तो वहां से इन्होंने रिलेट करके मेरे को उठाया था। ओके, इसमें नहीं डाला क्योंकि मशीन लर्निंग प्रिपेयर करना मुश्किल काम हो जाता। ओके, फाइन। लेकिन थोड़ा कर लीजिएगा फिर भी प्रिपेयर, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जा करके, क्योंकि जैसे लिंक मैंने, क्योंकि नए माइंड में जो क्वेश्चन आया ना कि आप वहां पे कैसे पहुंच गए, तो वो आप आपसे पूछ सकते हैं इस चीज को। तो आपके अनुसार जॉब प्रोफाइल से किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जॉब प्रोफाइल से कंपनी के बारे में, जिस कंपनी जो कंपनी जो है जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के बारे में, और इसके अलावा जैसे ये गोल्डमैन सैक्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, और एक एक बैंक भी है, ये इम्पोर्टेंट बैंक है, तो इसके बारे में। इसके अलावा रिसेंटली आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वर्ल्ड वाइड, जी जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है अभी, पोस्ट कोविड सिनेरियो है, तो फिर आपका गोल्डमैन सैक्स आपका प्रोफाइल में है तो फिर वो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी जाएगा, क्योंकि ग्लोबल यू नो गोल्डमैन सैक्स इज ए इम्पोर्टेंट ग्लोबल कंपनी इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जी। तो डेफिनेटली आ सकता है। तो ओके, आप उस तरह से प्रिपेयर करना होगा, आपको गोल्डमैन सैक्स के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मैंने जो एग्जैक्टली काम किया वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो भूल भी रहा हूँ मैं, मेजर मेजर मेरे को याद है लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल भी रहा हूँ मैं। तो काम बस जितना किया है आपने, जितना आप बताओगे उतना ही है, क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली आप ही को पता है। क्वेश्चंस जो वो पूछेंगे उस काम में, जैसे उस काम में कुछ वो ढूंढेंगे कि वो काम वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, वहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आप ही बताओगे, जो कुछ वर्ड आप यूज करोगे उन्हीं वर्डों में से वो आपसे पूछेंगे वो। जैसे अगर आपने मशीन लर्निंग से लिंक कर दिया तो मशीन लर्निंग पे आ जाएंगे वो, मगर अगर आपने ऐसे बोलता दिया कि मैंने इस तरह से मॉडलिंग की थी, ये किया था वो किया था, तो वो उसी के बारे में पूछ के फिर वापस आ जाएंगे वहां से, तो क्योंकि वो उस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं जो उनको भी आता है। हाँ, तो अगर वहां पे कोई आपके बैकग्राउंड का पर्सन मिल जाएगा तो ही वो काफी डिटेल में जा सकता है, अदरवाइज आपका बहुत बड़ा पीरियड भी नहीं है और बहुत ज्यादा ये इस तरह की कोई कोर प्रोफाइल भी नहीं है, जितना मुझे लगता है थोड़ा एक नया टाइप का वर्क है, कोई वैसे रेगुलर वर्क नहीं है। जी, तो कंपनी के बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं नॉर्मली जॉब में, या फिर आपकी कोई प्रोफाइल ऐसी हो, फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप पब्लिक फील्ड में हैं, जैसे लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट है उमेश गोयल, अभी वो IPS है, 360 समथिंग रैंक है उनकी, तो ही वाज ए BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इन पंजाब, तो अब उनकी प्रोफाइल तो होगी एडमिनिस्ट्रेशन वाली पूरी, तो उनसे जो है ना BDO वाले क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, BDO प्रोफाइल में क्या आपने चैलेंज फेस किया, आप कैसे पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करते हो, कैसे आप मैनेज करते हो सब चीजों को, तो आपकी प्रोफाइल वैसी नहीं है पब्लिक फील्ड वाली, तो आपसे जॉब वाले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो बहुत ज्यादा, जब तक कि आप कोई कोई ऐसा वर्ड यूज ना करें जिस वर्ड से वो फर्दर आगे ना चले जाए। सिंपल बात आप काम किया वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी स्टडीज है, जी मतलब आपने जो IIT में सीखा उसको आप कैसे हेल्प, उससे आपने क्या सीखा IIT में, आपने क्या सीखा कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मे बी टीम वर्क, आपने कुछ किया हो या वहां की कल्चर से आपने कुछ सीखा हो, या एज ए यू नो IIT ग्रेजुएट आपको कुछ स्पेशल ऐसी आपकी क्वालिटी डेवलप हुई हो जो आपको लगा हो कि हाँ IIT में जाने की वजह से मेरी क्वालिटी डेवलप हुई है, तो उस तरह की चीजें, मतलब उस चीजों पर आप फोकस कीजिए। ओके ओके।
तो आपके पास में अभी तो टाइम है, इट इज मोर देन 2.5 मंथ है ना जी जी राइट। किस डेट तक की लिस्ट आई आज, किस डेट तक की लिस्ट आई है? 10 मार्च तक की। 10 मार्च तक, ठीक है ठीक है। तो आप स्लोली प्रिपेयर कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बनाते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए, डिस्कशन करके, पूछ करके, खुद के सोच करके, थोड़ा रिसर्च करके। सर अगर आपके पास 5 मिनट और हो तो एक बार हॉबी पर ही बता दें कि आप क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट, मतलब आपके दिमाग में क्या आता है ये हॉबी पढ़ के, क्या क्या सवाल आते हैं। श्योर आई विल डेफिनेटली। तो हॉबी थोड़ी सी अजीब है, यूनिक है, तो इसलिए हाँ थोड़ा डिफरेंट है। रिसर्च पेपर इन एमर्जिंग वीआर टेक्नोलॉजी। तो वीआर टेक्नोलॉजी का यूज और अगर कोई इसका एथिकल इश्यूज हैं, व्हिच आई एम नॉट अवेयर, वो पूछ सकते हैं। इसका यूज, इसको कैसे हम मास लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बेनिफिट हो सकता है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, जी सर, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में, क्या क्या स्ट्रेंथ है इंडिया की, SWOT एनालिसिस इंडिया का, कौन सी कंट्री में इसकी रिसर्च काफी अच्छी है और हम क्या कर सकते हैं, किस कंट्री से हम इसमें एडवांटेज ले सकते हैं, किस कंट्री से सीख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, कौन कौन सी कंपनीज है जो उस पर वर्क कर रही हैं वीआर में। तो वर्चुअल रियलिटी, जो हम ये 3D मूवी देखते हैं, इज इट वर्चुअल रियलिटी? नहीं सर, इसमें वो जो नहीं आता है हेडसेट टाइप का आता है, आंखों और कान को कवर कर लेता है ऊपर से और फिर एक तरह से इमर्स कर देता है, वो चीज होती है वर्चुअल रियलिटी। हाँ, मैं ओके आई गॉट इट। जैसे कुछ ये ओशियन की वो कराते हैं, ओशियन डाइविंग टाइप का करा देते हैं। गेमिंग में काफी ज्यादा वैसे चल रहा है वीआर का, गेमिंग हेडसेट पहन लो, तलवार और पकड़ लो वहीं पर मारते। हाँ, राइट राइट, हाँ जी राइट राइट। तो इसकी एप्लीकेशन आप देखिएगा कि इसकी एप्लीकेशन हम किस फील्ड में कर सकते हैं, कुछ अपने तरफ से देखिएगा, सर्च कीजिएगा कि एजुकेशन में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, हेल्थ में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। अगर कुछ पॉसिबल है, जो हमारी क्रिटिकल इश्यूज हैं जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। सर एक तो मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को स्टिमुलेट करके हम लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं वीआर टेक के थ्रू, तो ये कितना अच्छा पॉइंट होगा। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट। मेरे दिमाग में एक भी पॉइंट और भी कुछ आया था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी हम इसको डील कर सकते हैं, मे बी मेंटल हेल्थ में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है सर, क्योंकि इससे तो हम किसी तरह का वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो एजुकेशन में भी बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में स्टूडेंट को विजुलाइज करा सकते हैं रियल वर्ल्ड। इसका मेटावर्स से कुछ लिंक है क्या? मेटावर्स पूरा लिंक है मेटावर्स का एक पार्ट है एक तरह से वर्चुअल रियलिटी। अच्छा ओके, मेटावर्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीआर क्या? जी सर, एक तरह से मान सकते हैं कि जब तक कोई और टेक्नोलॉजी नहीं आ रही तब तक मेटावर्स को एक्सेस करने का यही तरीका है। ओके 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 ओके, फाइन फाइन। फिर तो मेटावर्स आप पूरा जाएगा, फिर तो डेफिनेटली मेटावर्स को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप। जी सर, वैसे भी आपने रिसर्च पेपर लिखा है, तो फिर आपसे रिसर्च में आपने क्या लिखा है तो दे विल बी क्यूरियस टू नो कि क्या आपने क्या रिसर्च की है इसके बारे में। मेटावर्स, यू नो, इट कैन चेंज द वर्ल्ड। जैसे हम लोग पहले 20 साल पहले बोलते थे कि इंटरनेट क्या कर सकता है, आज हम देख पा रहे हैं इंटरनेट, मतलब आप दिल्ली में बैठे हुए हो, मैं बाहर बैठा हुआ, तो हम बात कर पा रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। 20 साल पहले नहीं सोच सकते थे हम ऐसा, 20 साल पहले तो सिर्फ फोन थे बस। तो मेटावर्स ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं अगले 10 साल में, अगले 20 साल में, हम यू नो कुछ विजुलाइज करा सकते हो उनको, आप जो पहले से कभी ना सोचा उन्होंने, मतलब कुछ इस तरह की चीजें उनको बता सकते हो कि उनको रियली लगे कि हाँ मजा आ गया तो बात करके आपसे। देखो इंटरव्यू, इट इज ऑल अबाउट गिविंग द गुड एक्सपीरियंस टू देम। उनको जितना अच्छा एक्सपीरियंस दोगे आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे, जितना उनको अच्छा फीलिंग आएगा जी सर, उतना ही आपको यू नो चांसेस है कि हाई, आपको अच्छा हाई मार्क्स मिलेंगे। ओके ठीक है सर, इसके अलावा बैच गोल्ड। हाँ, नहीं मतलब मेनली मैं आपसे हॉबी के बारे में जानना चाह रहा था कि डायनासोर वाली और जो रिलेशनशिप वाली दो हॉबीज लिखी हैं उनके विषय में, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब और किसी की नहीं होंगी जहां तक मैं गेस कर सकता हूँ, इसलिए। राइट राइट, ओके ओके, फाइन, आई गॉट इट, आई गॉट इट। जी सर।
इवोल्यूशनरी साइंस बिहाइंड रिलेशनशिप डायनेमिक्स, ये किसका, साइकोलॉजी का पार्ट है क्या ये? साइकोलॉजी में भी आ जाएगा, जैसे मैं क्या, मेरा अगर कोई पूछेगा कि क्या है ये चीज, तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास विद द ग्रोइंग इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द डाइल्यूशन ऑफ सोशल वैल्यूज, जो रिलेशनशिप डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है। जैसे हम लोग देखते भी है कि डेटिंग कल्चर ये सब आ रहा है, जबकि पहले पूरी तरह सिर्फ अरेंज मैरिज वाला कल्चर था। तो आई लाइक टू स्टडी द एवोल्यूशनरी जेनेसिस ऑफ दीज इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज एज वेल एज द न्यूरोबायोलॉजी बिहाइंड द इमोशंस। तो इसमें आपने क्या स्टडीज की हैं? I mean, I can discuss a bit about it because I am a teacher of organization behavior, which is you know based upon psychology, anthropology, sociology. So वहाँ पे कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे एक सिगमंड फ्रेड की थ्योरी है, एरिक्सन स्टेजेस थ्योरी, आपने पढ़ा है इन सबको? नहीं, मैंने बेसिकली रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उसके बारे में कि न्यूरोबायोलॉजी किस तरह से काम करती है उनकी। जैसे डॉन मास्लार करके हैं, उनकी एक बुक थी, तो वो पढ़िए कि जैसे लव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो जब हम इन चीजों में पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग के अंदर कौन से केमिकल्स किस तरह से फायर हो रहे होते हैं, तो वो चीज मैंने थोड़ी देखी थी। इसके अलावा फिर एवोल्यूशनरी रीजन, जैसे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द राइजिंग डाइवोर्स रेट्स इन यूएसए, तो आर वी मोनोगेमस, इस तरह की चीजें बेसिकली। जैसे मेरा मेन ये रहता था कि यूएस की सोसाइटी में काफी हद तक चेंजेस आ रहे हैं और आ चुके हैं, तो उनके रीजंस ढूंढने की कोशिश करता था, वहां से ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। ओके 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 ओके, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि वहां से आप सीख रहे हैं और यू नो इट इज योर हॉबी, आप उसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी सर। तो ये कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन है रिलेशनशिप डायनेमिक्स, या आपने लिखा है इसको खुद से? आपने खुद ऐसे से लिखा है, ऐसा कुछ अलग से डिसिप्लिन नहीं है कि ये काफी सारी चीजों का मिश्रण बन जाएगा। जैसे आपने कहा साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, डेफिनेटली सोसाइटल कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप्स, लेकिन उसके अलावा इन हमारे इंस्टिंक्ट्स भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे अट्रैक्शन हो गया, इसको सोसाइटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये प्योरली इंस्टिंक्टिव है। तो उन चीजों का मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने का कि एवोल्यूशनरी वाले जो पार्ट है उनके क्या रीजन है। राइट। इसमें आप, क्योंकि आप वैसे इसमें आपको अपने आपको स्पेशलिस्ट की तरह तो आप मत बोलिएगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट की तरह बोलेंगे तो फिर आपसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे वो थ्योरीज एंड ऑल, यू नो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ऑल। तो आप इसको एक जर्नलिस्ट की तरह बोल सकते हैं कि मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं इसको पढ़ता हूँ सर, और उसके बारे में फिर आप बता सकते हैं। लेकिन आप एक दो थ्योरीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी लिख लीजिए, साइकोडायनेमिक और साइको एनालिसिस थ्योरीज, साइको एनालिसिस थ्योरीज गिवन बाय सिगमंड फ्रेड, SIGMUND, सिगमंड फ्रूड, FRED, फ्रूड। ये सोशियोलॉजी, ये साइकोलॉजी का पार्ट एक्चुअली, ये न्यूरोसाइंस, यू नो। हाँ, ही वाज ए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसने बताया कि हमारा जो यू नो हमारा यू नो आईडी ईगो समथिंग, वो कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किए थे, और उनका उनका एक कॉन्सेप्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एक वो पढ़ लीजिएगा। और एक उन्हीं का है, एक है एरिक्सन स्टेजेस, ERIKSON, एरिक्सन, एरिक्सन स्टेजेस, ERIKSON, एरिक्सन स्टेजेस, साइकोसेक्सुअल ग्रोथ, सॉरी साइको सोशल ग्रोथ स्टेजेस, साइको लिख लीजिए, साइको सोशल ग्रोथ स्टेजेस एरिक्सन का। जी सर, साइको सोशल ग्रोथ स्टेजेस। सो ये क्या है ना, यहाँ पे लाइक जो एरिक्सन वाला है ना, ये आपको काफी हेल्प करेगा, यू नो आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे ना सिंपल, इसके बारे में थोड़ा आप गूगल कीजिएगा थोड़ा सा, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट लॉट ऑफ थिंग्स इन रिलेशनशिप डायनेमिक्स। जैसे आपने बताया कि एक पार्टिकुलर टाइम पे लव होता है, तो उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि इस एज से इस एज में ये ज्यादा ऐसा होगा, इसमें यू नो देर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लेजर एंड रियलिटी, वी आर प्लेजर सेकंड पर्सन, सो बट रियलिटी में वो आसानी से मिलता नहीं है, तो देन देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, उसकी एंग्जाइटी होती है, उसको कैसे डील करते हैं, देना मल्टीपल टाइप के रेस्पॉन्सेज होते हैं, तो ये कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मैस्लो की थ्योरी आपने देखा होगा, मैस्लो की थ्योरी तो पता ही होगा, नीड हायरार्की की थ्योरी, जो नीड्स वाला ट्रायंगल, हाँ हाँ यस यस यस, मतलब ये बेसिकली कुछ बेसिक थ्योरीज है जो एक्सपर्ट थ्योरीज नहीं है,
मतलब बेसिक थ्योरीज है, मतलब अगर आप इस डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो, क्योंकि हॉबी में ना व्हाट इज देयर पर्पस, हॉबी में उनका पर्पस होता है आपके डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट को जानना, आपके डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट को जानना, ठीक है, कि जी आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आपका डेप्थ क्या है उसमें, है ना। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, मैं एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ना उसमें पर्सनैलिटी एक चैप्टर है, और ये जो यूपीएससी में जी कराते हैं ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। सो हाँ यहाँ पे जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यू नो पर्सनैलिटी टेस्ट में वो क्या चेक करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट में वो कुछ ट्रेट्स चेक करते हैं कैंडिडेट्स में, ठीक है। जी सर तो आप जी एक थ्योरी और पढ़ सकते हो, बिग फाइव डायमेंशंस थ्योरी, बिग बिग फाइव फाइव डायमेंशंस पर्सनैलिटी डायमेंशन थ्योरी, बिग फाइव पर्सनैलिटी डायमेंशन थ्योरी। ओके सो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे रिलेशनशिप डायनेमिक को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा जी सर आपको हेल्प होगा इसमें। तो उनको ये बोल दीजिएगा कि सर मैंने तो एज यू नो आउट ऑफ हॉबी मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट जी हाँ मैंने सर ये थ्योरी में, मैंने मुझे लगा कि शायद ये ऐसा होता है, ये होता है, आई एम स्टिल यू नो इलाबोरेट, आई एम स्टिल इन टू इट, मैं इसको बारे में और स्टडी कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट। ओके ठीक है सर साइको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं काफी हद तक, उससे आपको एक ओके ओवरव्यू मिल जाएगा। जी उसके सर बाद में फिर अगर आपको लगता है कि आपको टाइम मिलेगा, टाइम तो मिल जाएगा आपको, तो हाँ थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे उसके ऊपर अपने आप से, है ना। ओके श्योर तो सर मैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको वहां पर लिंक शेयर कर दूंगा पीपीटी का, हाँ 9811 9811 21 0379। 0379 राहुल सर हाँ राइट यस, राहुल कुमार, यस, ओके ठीक है। इस फील्ड्स में इंटरेस्ट वाले लोग बड़े कम ही मिलते हैं तो हम तो कहेंगे किस्मत से ही आपसे मुलाकात हो गई यस मे बी। हाँ देखिए, इसमें अगर आपके इंटरव्यू में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठता है तो काफी इंटरेस्ट लेगा इसमें, वो सोशियोलॉजिस्ट जी बैठेगा तो वो भी जरूर इंटरेस्ट लेगा। सो इस टॉपिक में वो बिल्कुल जा सकते हैं। ये डायनासोर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है क्या? नहीं, एंथ्रोपोलॉजी तो ह्यूमंस के शुरू होने से ना ये तो 6.5 करोड़ साल पहले मर चुके हैं डायनासोर्स राइट राइट राइट। तो इसका कोई लिंक नहीं है एंथ्रोपोलॉजी में, कोई डिस्कशन नहीं होता इसका क्या? क्योंकि नहीं, एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं होता इसमें। ओके, नहीं, एंथ्रोपोलॉजी मुझे सिर्फ पता, मुझे पता ह्यूमंस नहीं के बारे था। में करते होंगे ये तो पेलियोन्टोलॉजी के पार्ट आ जाएगा अच्छा, जी अब इसके बारे में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है इस डिसिप्लिन अच्छा की। हाँ मतलब ओके बेसिक आपसे कि क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सीखा, आप जी क्या लगा, मतलब आपने यू नो वो जानना चाहेंगे कि आपने क्या स्टडी की, क्या हाँ उस स्टडी का बेनिफिट हुआ आपको, हाँ या आप कुछ हमें बताइए, तो इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं वो, कि आप ओके स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, क्या है, कैसे स्टडी करते हैं, कहाँ से स्टडी करते हैं, क्या सोर्सेज है आपकी, फिर ओके वहां से संबंधित चीजें, मान लो कोई थिंकर है, कोई बुक है, तो उसके बारे में फिर वो पूछ सकते हैं, ओके ओके मतलब इस स्टडी के बारे में ज्यादा पूछेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि डायनासोर के बारे में तो कोई क्या ही पूछेगा, कोई मूवी वगैरह होगी तो जुरासिक पार्क एंड ऑल, वो ये ज्यादा कुछ है नहीं। और मुझे तो इतने समझ में आ रहा है, बाकी अगर कोई और पार्टिकुलरली किसी डिसिप्लिन में आता होगा जूलॉजी वगैरह में, तो आई थिंक, मुझे पता नहीं है कि जूलॉजी में आता है कि नहीं आता है ये। पेलियोन्टोलॉजी में है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स है ना जूलॉजी में भी जो जिंदा है उन्हीं की स्टडी करते हैं तो ये अलग ओके ओके, अच्छा स्टडी ऑफ फॉसिल्स है ये फाइन फाइन फाइन, तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा। ओके नो प्रॉब्लम हाँ सर ठीक है, गुड, वेरी गुड, आप कीजिए अच्छे से। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिला है, इंटरव्यू टेलीग्राम चैनल का? शायद नहीं सर देख लूंगा मैं एक बार ईमेल में अच्छा, चेक कर आप देख लूंगा लेना, हाँ, वरना मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी सर और कुछ जो पैनल्स वगैरह हैं वहां पर भी जाइएगा, एक दो बार आप जो है वन टू वन इंटरव्यू दे दीजिएगा इन फिजिकल, आप हाँ ऑफिस में जाइएगा, तो हम फैकल्टी लोग हैं, हम तो बाहर से तो पैनल वगैरह हम बुलाते नहीं है, देखो
उतना सब पूरा हम सिस्टम लगाते नहीं है, लेकिन हमारी जो खुद का एक्सपोजर, आपने मुझसे बात करके समझ ही लिया होगा ये चीज, क्योंकि जो एक जेन्युइन चीजें हैं जो एज एन एक्सपर्ट और जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, तो हमारी जो सारी फैकल्टी है सब लोग इंटरव्यू अपियर्ड हैं, 2-3 बार सब लोगों ने दिया हुआ है और कई साल से पढ़ा भी रहे हैं सब लोग अपने अपने फील्ड में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन शायद कोई और ना बता पाए, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप जो ये पैनल वगैरह होते हैं, ये सब प्रोफेसर होते हैं, सब चीजें होती हैं, ये सब थोड़े मूडी टाइप के लोग होते हैं, आपके डेफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, कहने के लिए बोलेंगे कि डेफ एनालिसिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं लेते वो दे आर काउंटिंग यू जस्ट लाइक ए नंबर, कि ठीक है यार हमें तो 500 लोगों का इंटरव्यू कराना है, हमें रिजल्ट दिखाना है 100-200 लोगों का, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ना तो इतना टाइम देंगे वो, ना आपके इसमें इतना डेप्थ डेप्थ में जाएंगे आपको वो, तो कहीं ना कहीं आपको एक शैलो शैलोनेस फील होगी। फिर आप मल्टीपल जगह पे जाओगे तो कंट्राडिक्शन क्रिएट भी होती है, कई बार किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आप तो कंट्राडिक्शन भी बहुत होंगी, कि किसी ने बोला कि आप काफी कूल एंड काम हो, किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप कूल एंड काम नहीं हो। तो आप एक चीज और नोटिस करना कि किसी की भी जो फीडबैक है उसको बहुत सीरियसली मत लेना, अपने पर्सनैलिटी को चेंजेस मत करना, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनैलिटी से एक मतलब पॉजिटिव हो रहा, मुझे आपके इसमें नजर आ रहा है थैंक ओवरऑल। एक जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है लिसनिंग, दैट इज वेरी गुड, यू कैन लिसन, जी सर। बट आपका भी एक्सप्रेशन वाला पार्ट वो मैंने देखा नहीं है, तो उसके लिए कुछ इंटरव्यूज वगैरह आप शेड्यूल कर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे करते रहिएगा, कुछ टेलीग्राम चैनल पे भी काफी अच्छे सिंसियर एस्पिरेंट है हमारे, प्रीवियस ईयर्स के भी हैं जिन्होंने प्रीवियस में इंटरव्यू